कुछ दिनों पहले मैंने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो बनाई थी। उसके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि जो लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट थे उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि भैया इस रिजर्वेशन की वजह से जनरल कैटेगरी वाले लोगों को बहुत नुकसान होता है पढ़ाई और जॉब्स में। जिससे कि मैं भी अग्री करता हूं, इस रिजर्वेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये। जनरल कैटेगरी वालों को अच्छे मार्क्स के बावजूद भी कॉलेजेस नहीं मिलते, जॉब्स नहीं मिलते। पर आप इन जॉब्स का, इन कॉलेजेस का कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकाल लोगे, प्राइवेट जॉब ले लोगे, ओपन से कॉलेज कर लोगे, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव निकल जाएगा। लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से जो लोग मारे जाते हैं, अपनी जान ले लेते हैं, उसका क्या अल्टरनेटिव निकालोगे? वापस उन्हें जिंदा कर दोगे? सिर्फ 2021 में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के 50,900 केसेस रजिस्टर हुए थे और हर साल 600 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं जातिवाद अपराधों की वजह से। तुम लोग यहाँ अपने कॉलेजेस और अपनी जॉब्स की चिंता करते हो, इन्हें वहाँ अपनी जान की चिंता करनी पड़ती है। अब ये मत बोल देना भाई तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी पढ़ाई इनकी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गुनहगार छूट जाए पर किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, बस वही लॉजिक अब यहाँ लगा दो।